से हो जाओ जो दो दो बैठे हैं एक बेंच पे। Yes, we were doing fifth question और इसका first part हमने कर लिया था। I hope second part आपने कर लिया होगा, पर पता आप करने वालों को नहीं। इसके अलावा ये किया था कल हमने कि AC का square ये होता है। Today we will move what is AB square. This is to be proved that AB square, this is equal to AD square. Instead of plus, we are having minus here. Rest of the proof is as it is. So, let us see that how we can write AB square. AB square can be written by using Pythagoras theorem in this triangle. In triangle AMB, it will have to be AB square is equal to AM square plus BM square. ये पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब ये जो AM square है, we don't need this AM square. हम इस AM square को भगा सकते हैं using this right angle triangle. क्या बनेगा? Perpendicular है AM. Perpendicular का square is equal to hypotenuse square minus base square. So this will be AD square minus MD square plus BN square. Right? अब हमें चीजों को कुछ चेंजेस इसमें करनी पड़ेगी ताकि हम अपने रिजल्ट पे पहुंचे। I will split this MD in terms of BD minus BN. MD as BD minus BM whole square plus BN square. Apply the identity A minus B whole square. You will be having AD square minus A square plus B square minus 2BD BN. साइन भी माइनस का ही चाहिए, प्लस का नहीं चाहिए। इसको नहीं चाहिए। अगर हम उसको चेंज करते हैं MD को, तो जो सिचुएशन जो कंडीशन हमें चाहिए वो हम नहीं, हमें नहीं मिल रही, सो वी विल चेंज BM, BM को चेंज करेंगे, ठीक है? देखिए जरा फिर क्या बनता है। दिस इज AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर माइनस 2BD BM, यहां से बनेगी कंडीशन। MD स्क्वायर कट, AD स्क्वायर आ गया, माइनस ये माइनस की टर्म भी आ गई, एंड बीडी यूजिंग का कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन कल भी हमने लिखा था, हाफ ऑफ बीसी। बीडी को हम हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। माइनस 2 बीडी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बीसी, कैंसिल, यू गेट द रिजल्ट। हां, उसमें माइनस ऐसे की बन गई मिक्स टर्म के साथ। फर्स्ट प्रूफ में प्लस था। In the first proof, we were having plus in the mixed term, but in the second proof, we are having minus in the mixed term. आज आपका कौन सा टेस्ट है? चलिए यानी हाँ, दोनों प्रूफ हो गए आपके। देखो, why I am saying optional exercise is important? Because in most of the question, concept of Pythagoras theorem is applied. कुछ नहीं है ये question. दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अपने प्रूफ को ध्यान में रखते हुए चेंजेस की। पहले मैंने इसको चेंज किया, बट आई वाज नॉट एबल टू रीच माय प्रूफ, तो मुझे लगा कि ये गलत हो गया, आई शुड चेंज दिस। अब अगला पार्ट देखो क्या है, वी नीड टू प्रूव एबी प्लस एसी स्क्वायर। जो आपके पास फर्स्ट टू इक्वेशंस बनी है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो ऐड करके आ रहा है,
बहुत अच्छा लिखा हुआ पढ़ाई में मन नहीं लगता कृपा करके इस नंबर से संपर्क करें ठीक है तो दोनों को ऐड कर दिया बस दोनों को ऐड किया और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ए बी प्लस ए सी स्क्वायर राइट हैंड साइड टू ए डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट ऐड करके देखो राइट हैंड साइड यू विल गेट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट पढ़ना था प्रूव दैट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स आपको नहीं लगता ये प्रूफ हमने पहले भी किया था रोम्बस के केस में किया था एक्सरसाइज में 6.5 एक्सरसाइज का शायद 6th क्वेश्चन था जिसमें था इन केस ऑफ रोम्बस प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड एंड पैरेललोग्राम जो है रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम का रिफाइंड वर्जन है रोम्बस में कुछ प्रॉपर्टीज एडिशनल होती है तब वो रोम्बस पैरेललोग्राम में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज डलती है तब वो रोम्बस बनता है इसका मतलब रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली है तो जो रिजल्ट रोम्बस के लिए ट्रू होगा वो पैरेललोग्राम के लिए भी ट्रू होगा तो हम पीछे प्रूव करके आए थे इसको रोम्बस के लिए प्रूव नहीं करेंगे इसको ऐसे ही याद रखो दैट इन केस ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम बोथ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स भावना कल आप कह रहे थे कि कई बार प्रूफ के बीच में से अगर कोई स्टेप पूछ दिया मुझे थोड़ा सा ये वेग इसलिए लगा क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं उसके एक तरीके नहीं होता देयर आर सो मेनी मेथड्स ठीक है तो फिर इसलिए थोड़ा सा ये वेग लगता है ऐसा सोचना कि ऐसा अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 7th अगर देखें इन द गिवन फिगर वी आर हैविंग अ सर्कल एंड देयर आर टू कोर्ड्स ऑफ द सर्कल वन इज ए बी एंड अनदर इज सी डी इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल एट द पॉइंट पी दो कोर्ड्स हैं सर्कल की ये नहीं दिया हुआ कि वो इक्वल हैं अनइक्वल कोर्ड्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल एट द पॉइंट पी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट If it happens, if it is so, then the triangle इधर वाली साइड सी है इधर वाली साइड डी है We want to prove that this triangle is going to be similar to this triangle. ये जो राइट और लेफ्ट पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं दोनों सिमिलर हैं हम ये प्रूव करना चाहते हैं हमेशा याद रखना जब भी दो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव करनी है We will try to find two angles. AA सिमिलरिटी हमारा पहला टारगेट AA सिमिलरिटी होगी अगर ए सिमिलरिटी कभी नहीं मिलती तो एस ए एस या ट्रिपल एस ठीक है पहले ए ए सिमिलरिटी एक एंगल सबको भी सबको ही दिख रहा है एंगल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अगर मैं ए पी सी एंड दूसरा ट्रायंगल है डी पी बी की बात करूं तो ये जो पी एंड बी दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अब देखना जरा दूसरा एंगल ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा दूसरे एंगल के लिए आपको पता है आपने 9th में जब सर्कल चैप्टर किया था वन रिजल्ट वी हैव डन दैट एंगल मेड बाय अ कोर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल पता नहीं याद ही नहीं है किसी ने चलो दोबारा एंगल मेड बाय अ कोर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम दूसरा एंगल लेके आएंगे देखना कैसे मैंने क्या किया बीसी को ज्वाइन करके एक कोर्ड बना दी सर्कल की जैसे ही मैंने कोड बनाई सर्कल की मैं इधर आपको दिखा देती हूँ ये बीसी कोड है ये सर्कल दो सेगमेंट्स में बंट गया एक सेगमेंट सर्कल के ऊपर एक सेगमेंट बीसी के नीचे एक बीसी के ऊपर एक नीचे ये कोड सेम सेगमेंट में जो दो एंगल बना गई वो आपस में इक्वल होंगे देखना जरा और कोड का एंगल किसी पॉइंट पे कैसे देखते हैं अगर मैंने इस कोड का एंगल किसी पॉइंट ए पे देखना हो आपको याद होगा मैंने बताया था कोड के एक पॉइंट से शुरू होकर उस पॉइंट तक जाओ और कोड के दूसरे पॉइंट पर वापस आ जाओ दैट इज द एंगल मेड बाय कोड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट
अगर इस कोड बीसी का, मुझे तो इंट्रेंगल के साथ कंसर्न है, मैं एक एंगल ट्राइंगल इस ट्राइंगल में देखूंगी कोड का, एक एंगल इस ट्राइंगल में देखूंगी, एंड बीइंग द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मेड बाय द कोड बीसी दे आर गोइंग टू बी इक्वल. चलो इधर इस ट्राइंगल में देखे पहले, सी सी से शुरू किया, इस ट्राइंगल का पॉइंट है ए, ए पे आए और वापिस किस पे आना है, बी पे. कौन सा एंगल बना, सी ए बी इक्वल टू. अब इस ट्राइंगल में एक एंगल देखें जो इसी कोड ने बनाया, सी डी बी. डू यू थिंक दैट दे विल बी इक्वल, बिकॉज दे आर द एंगल मेड बाय द कोड बी सी इन द सेम सेगमेंट. ठीक है, तो एक ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, ए पे आ रहा है और डी पे आ रहा है, सेंटर पॉइंट बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं. इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए किस क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी से. हमेशा याद रखना, इफ यू आर हैविंग अ सर्कल एंड देयर आर टू कोड्स व्हिच आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल, देन द ट्राइंगल्स मेड बाय दोज कोड्स एट द राइट एंड द लेफ्ट साइड दे आर गोइंग टू बी सिमिलर ऑलवेज एंड ऑलवेज. राइट, नेक्स्ट. हाँ, क्या बना दे, ऐसे बन जाएगा रेक्टेंगल, कोड्स इक्वल होनी चाहिए फिर ही बनेगा. नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, देखो जरा. फिगर देखो और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ साथ फिगर को डील करते हैं. लुक एट योर बुक्स, बुक का है लक्ष्य आपकी बुक बैग में, चलो भी संपर्क करो उस नंबर पर जिनका पढ़ाई. चलिए, यस, क्वेश्चन देखो क्या है. ही सेज इन द गिवन फिगर टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द सर्कल, इसकी स्टेटमेंट 6.62, ठीक है. इन द गिवन फिगर टू कोड सी डी ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड. देखो क्या कह रहा है कि अगर दो कोड्स लिए हम सर्कल की, वन आई एम टेकिंग ए बी, अनदर आई एम टेकिंग सी डी, सर्कल के अंदर ही लेंगे, कोड है तो नेचुरली सर्कल के एंड पॉइंट्स को कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस पे टच करेगी. जब हमने इस इन कोड्स को प्रोड्यूस किया सर्कल के आउटसाइड, देयर मीटिंग पॉइंट कम आउट टू बी पी. ये दोनों कोड सर्कल के बाहर पी पॉइंट पे मीट करी, एंड इफ इट हैपेंस देन वन रिजल्ट इज देयर दैट प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कोड दे विल बी इक्वल. व्हाट इट मींस, इधर वाली साइड पे इंटरसेप्ट बना पी ए इनटू दिस फुल इंटरसेप्ट पी बी, दिस इज इक्वल टू पी सी इनटू द फुल इंटरसेप्ट पी डी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मैं उसको उसी नेमिंग उसी तरह से कर लू, एक मिनट, ए पी इंटू पी बी, पी सी पी जैसे उसने लिखा उसी हिसाब से मैंने लिख दिया, आगे पीछे थे लेटर्स थोड़े से, कि इंटरसेप्ट की प्रोडक्ट जो है राइट और लेफ्ट साइड पे बनने वाले इंटरसेप्ट की, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनटीएससी के बच्चों को पता होगा, सर्कल चैप्टर में करवाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन. इसमें से आप कोई 10 ईयर उठा के देख लो एनटीएससी का, इसमें से क्वेश्चन आता है. क्या है कि जब हमारे पास दो कोड्स होती हैं, दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल. पिछला क्वेश्चन था विद इन द सर्कल, अब कौन सा है आउटसाइड द सर्कल. अगर आउटसाइड इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट, यहां से लिया उसने एपी, बाहर वाला इंटरसेप्ट एक साइड पे और दूसरा पी पे पहुंचे पूरा पीपी, इधर वाली साइड के इंटरसेप्ट सी से शुरू किया सीपी एंड देन पी पे रुके पूरा किस पे आए पी डी. अब देखो जरा इसको प्रूफ करने का तरीका बड़ा आसान है. क्यों मैं प्रूफ करा रही हूँ, क्योंकि दो चीजें हैं इसकी, आगे प्रूफ करना ही पड़ेगा अगले क्वेश्चन में. अगर मैं ये चीज प्रूफ करना चाहती हूँ, आप देखो जरा सिमिलैरिटी के थ्रू अगर हम इसको करें, तो सिमिलैरिटी में हमें इस चीज तक पहुंचना है. एक तरह से हम इस चीज तक कभी भी सिमिलैरिटी में हमने देखा नहीं है कि दो चीजों की प्रोडक्ट बाकी दो चीजों की प्रोडक्ट के इक्वल हो. पर हमने सिमिलैरिटी में एक चीज सीखी थी कि साइड्स की रेशियो दूसरी साइड्स की रेशियो के इक्वल होती है. तो हम इसमें से कोई साइड नीचे ले आते हैं, एपी के नीचे मैं डीपी को लेके आती हूँ और सीपी के नीचे पीबी को लेके जाती हूँ. देखो कौन सा ट्राइंगल बना, एपीसी.
ऊपर से बना ट्राइंगल एपीसी और नीचे से बना ट्राइंगल डीपीबी। हाँ जी सीपी बेटे एपी के नीचे सीपी तो आ जाएगा, पर मुझे ट्राइंगल भी तो लेना है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। ट्राइंगल ऊपर से ही लेंगे फिर, नहीं तो फिर आपको ऐसे लेना पड़ेगा। मैंने बताया था ये चीज डीपीबी। देखें जरा, एक ट्राइंगल मैंने प्रोपोर्शनलिटी से लिया एपीसी ये वाला, और दूसरा लिया डीपीबी, ये ट्राइंगल ले लिए हमने, क्योंकि अगर हम इनकी सिमिलैरिटी प्रूव कर गए तो ये आ जाना है, और अगर ये आया तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। नहीं एक्चुअली ये 7th का सेकंड पार्ट ही है। ये 8th क्वेश्चन है, 7th का सेकंड पार्ट भी एक तरह से हमारा हो ही चुका है, क्योंकि ट्राइंगल सब सिमिलर हो गए थे, एपीसी को हमने सिमिलर प्रूव किया था डीपीपी के। तो फिर एक मिनट बता दूं थोड़ा सा कैसे डीपीपी एपीसी हमें चाहिए, एपी ओवर डीपी, पीसी ओवर डीपी। 7th का सेकंड पार्ट तो हमारा हो चुका है, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, एपी अपॉन डीपी, पीसी अपॉन पीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेकंड पार्ट 7th का डन है। दिस इज 8th क्वेश्चन एक्चुअली। देखो उसने पहले ही सिमिलैरिटी हमसे पूछ ली दो ट्राइंगल्स की, हम बता देते हैं पहले उन्हीं की ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी जो पूछ रहा है। ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी पी डी बी, इनकी सिमिलैरिटी देखो जरा ध्यान से, पी ए सी पी डी बी, एक एंगल कोई बता दो आप, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमन एंगल टू बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है एक एंगल हमें मिल गया। दूसरा एंगल ढूंढना है हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट यू नो दिस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रीवियस क्लासेस में सीखा था, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द वर्टिसेस टच इज द सर्कल, एंड इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन रिजल्ट इज देयर, आई डोंट, मुझे लगता है नहीं करवाया था आपको ये रिजल्ट, आरडी में दिया हुआ शायद किसी प्रूफ में, वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रिजल्ट है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। रिमेंबर दिस, दैट इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वन एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास ये एंगल सी ए पी सी पी सी ए दिस इज इक्वल टू दिस एंगल बी, यानी कि आप कह सकते हो पी बी डी। आगे दो एंगल्स ट्राइंगल के, तो किस क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी हुई, ए ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल पी ए सी। जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज पूछ लीजिए, निग्लेक्ट मत करो इन चीजों को, आई एम टेलिंग यू। साइक्लिक जो सेकंड एंगल के लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक जो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, जब भी किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं, इसकी साइड को प्रोड्यूस किया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर, इसकी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल भी है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, दिस इज द रिजल्ट। ड्यू टू दैट रिजल्ट आई एम राइटिंग द इक्वालिटी ऑफ दीज टू एंगल्स, एंड व्हेन दीज टू एंगल्स कम आउट टू बी इक्वल, one angle is already, so by which criteria the triangles get similar, ठीक होगी बात। अगला तो इसी से हो जाएगा, सेकंड पार्ट हम इसी से प्रूव कर देंगे, क्या PA upon, therefore PA upon PD, PC upon PB, हाँ जी ये सिमिलैरिटी प्रूफ की फर्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट नहीं प्रूफ किया पहले। सिमिलैरिटी अगर हो गई देन साइड्स गेट क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स गेट प्रोपोर्शनल, सो आई एम हैविंग पीए ओवर पीडी इज इक्वल टू पीसी ओवर पीबी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पीए इंटू पीबी पीसी इंटू पीडी, हेंस रिजल्ट। इस रिजल्ट को आपने याद भी रखना है कि अगर
किसी क्वाड्रिलेटरल की दो कोर्ट्स बाहर की तरफ मीट करती हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन बोथ द साइड्स इधर राइट और लेफ्ट पी ए इंटू पी बी सी पी इंटू पी डी देयर प्रोडक्ट विल बी इक्वल एज इट इज रिजल्ट भी याद रखना, क्योंकि मैं बताती हूँ इस रिजल्ट का यूज कहाँ होता है। आपको पेपर में ऐसे आ सकता है, लिसन फिगर दी हुई है, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ पी ए एंड मोर ओवर गिवन द वैल्यू ऑफ पी बी एज वेल, पी सी की वैल्यू भी आपको दी हुई है एंड यू आर आस्क फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डी। इस केस में जब ये वाला इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है, तीन की दी हुई है, तो चौथे की आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस रिजल्ट। ऐसा क्वेश्चन बहुत मतलब हाँ जी पी ए अपॉन पी डी कॉरेस्पॉन्डिंग रैशनलाइज क्या क्रॉस मल्टीप्लाई है पी ए इंटू पी बी पी डी इंटू पी सी। क्यों सामने सामने जो है वही नीचे आता है, मैंने इसकी सिमिलैरिटी प्रूव की है इन दोनों की, देखो बुक में पी ए सी की सिमिलैरिटी मैंने पी डी बी के साथ प्रूव की है, ठीक है ना। यस श्रेयांश अपनी वॉच उतारने के लिए भी तैयार रहना पीरियड के बाद। दिलप्रीत सिट प्रॉपरली वेयर योर मास्क, याद रखना रिजल्ट इसकी एप्लीकेशन मैंने बताई है कि तीनों में से चारों में से किसी तीन की वैल्यू बता के चौथे की वैल्यू पूछ लेगा, और आप लोगों ने कहना कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। रिमेंबर दिस रिजल्ट प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन, लुक एट योर बुक्स। नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम, नाइन्थ मैंने डिस्कस कर लिया, नाइन्थ इज कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट, कि अगर हमारे पास दो बेस वाले इंटरसेप्ट और साइड वाले इंटरसेप्ट का रेशियो सेम हो तो ऊपर से आने वाला जो लाइन है वो वर्टेक्स एंगल की क्या होती है बाइसेक्टर, और अगर बाइसेक्टर दिया हुआ है तो नीचे वाले बेस जिसपे बाइसेक्टर फॉल कर रहा है और आसपास वाली साइड उनका रेशियो क्या होता है सेम होता है। फर्स्ट एंड नाइन्थ क्वेश्चन दे आर ऑफ द कन्वर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 10, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम, टिप ऑफ हर फिशिंग रोड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वॉटर। सबसे पहले हम वॉटर सरफेस लेते हैं, यहां पे नाजिमा बैठी हुई है सपोज, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये उसकी फिशिंग रोड है, इसका टिप यहाँ पे है, फिशिंग रोड के ऊपर एक टिप, आपने देखा होगा लोगों को मछलियां निकालते हुए फिशिंग रोड के ऊपर एक टिप, और ये टिप वाटर सरफेस से 1.8 मीटर के डिस्टेंस पे, टिप इज एट 1.8 मीटर अबव द वाटर सरफेस एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे। स्ट्रिंग के एंड पे ये स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग का एंड यहाँ पे वाटर सरफेस को आके मीट कर रहा है और यहाँ पे जो है मछली जाल में फंस गई है उसकी, तो ये जो फ्लाई है ये यहाँ से नाजिमा से 3.6 मीटर अवे है, इट इज 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप। अब देखो इसका टोटल डिस्टेंस अगर हम नाजिमा की पोजीशन से हॉरिजॉन्टल लेवल को लें फ्लाई का तो 3.6 है, और अगर टिप के नीचे जो सबसे नीचे पॉइंट है, मान लो मैंने रोड ले ली ए बी, तो टिप के नीचे जो पॉइंट है वहां से फिश का डिस्टेंस इट इज गिवन टू बी 2.4। तो जो हमारा पास बचा दैट विल बी 1.2। दोबारा देखो नाजिमा इज सिटिंग ओवर हियर, बिल्ली है पता नहीं क्या करी जा रही है, ठीक है। तो ये हुआ वाटर सरफेस, ये उसकी फिशिंग रोड का ये टिप, यहाँ से फिशिंग रोड का जो स्ट्रिंग है नीचे की तरफ आया, यहाँ पे फिश पकड़ी, ये है वाटर सरफेस, ये है टिप का बॉटम पॉइंट, और जो फिश है
वो उसका पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम स्टार्टिंग से देखें नाजिमा की पोजीशन से, इट इज गिवन टू बी 3.6 मीटर, एंड अगर रोड के एंड पॉइंट से देखें तो इट इज गिवन टू बी 2.4 मीटर. इतनी फिगर और इतनी सिचुएशन समझ आई सबको? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है. He says, assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, मतलब कि टिप से लेके फ्लाई तक जो स्ट्रिंग गया वो पूरी तरह से, उसमें कोई स्लैक नहीं है, पूरी तरह से वो टाइट है, टाइटन अप है, क्योंकि वो इसलिए इस चीज को आपके सामने रख रहा है कि वो पूरी तरह से टाइटन अप है, क्योंकि वो इसको एज ए हाइपोटेन्यूज यूज करने वाला है. ठीक है, स्ट्रिंग इज टोटली टाइटन अप. हाउ मच स्ट्रिंग Does she have out if she pulls in the string at the rate of speed दी हुई है string pulling करने की 5 cm/s, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? क्या करती है वो? Naturally अगर वो tip road अपनी fishing road लेके बैठी है तो वहां पे free नहीं बैठेगी, उसकी पूरी कोशिश होगी कि कभी कब ऐसा टाइम आए कि जो फ्लाई है वो बाहर आ जाए. ठीक है, तो इस तरह से वो स्ट्रिंग खींचती जा रही है. जैसे जैसे स्ट्रिंग खींच रही है उसका जो शिकार है वो बाहर की तरफ आता जा रहा है. स्ट्रिंग खींचने की उसकी स्पीड हमें दी हुई है कितनी? 5 cm/s. नेचुरली दिस रोड, टिप ऑफ द रोड, इट इज अगर हम इसका वाटर सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ जो देख रहे हैं इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट डी और वाटर सरफेस, ये दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल, नेचुरली दिस विल बी 90 डिग्री. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रोड, ये जो स्ट्रिंग टॉट यहाँ पे पूरी तरह से टॉट है, इसकी लेंथ जो विजिबल है आउटसाइड द वाटर सरफेस कितनी है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल एबीसी. चलिए लेट अस अप्लाई, करो साथ साथ कैलकुलेशन. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज 1.8 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर, दिस इज 3.24. हाँ जी, ओ सॉरी, दिस इज 2.4, दिस इज 5.76. AC is square root of 9, 14.4. केड़ी दुनिया 14.4 वाली, रैशनलाइज थोड़ा करना. की कर रहे हैं आज केशव, कि ठीक है? हैं? ठीक है, यहां तक कैलकुलेशन सबको क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस ट्राइंगल में, वो नहीं हमें आ रहा, ऑप्शनल कैसे आएगी फिर हमें? अब वो इस स्पीड के साथ फिशिंग रोड को जो है वो पीछे की तरफ पुल कर रही है और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रही है. ये बेटे रोड है, यहाँ भी उन्होंने यहां से पूछा, ये टिप है, टिप से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग की बात हो रही है. ये जो स्ट्रिंग है ये रोड के साथ स्ट्रिंग है कि नहीं वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है. We are just assuming that string is falling from here. चलिए अब हम स्पीड की बात करते हैं 5 cm/s की, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? 5 cm, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 12 सेकेंड, 5 × 12 दैट इज 60 cm. 12 सेकंड में जो स्ट्रिंग बाहर की तरफ आया दैट इज 60 सेंटीमीटर, और हम इसको जरा मीटर में कन्वर्ट करें, दिस इज 0.6 मीटर. अब देखना ध्यान से, जब हम, आपने नोटिस किया होगा जब भी कभी रोड के साथ स्ट्रिंग को बाहर खींचा जाता है तो स्ट्रिंग जो है वो कभी भी ये हाइपोटेन्यूज की शेप में बाहर नहीं जाएगा. स्ट्रिंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आप को ऐसे ही रखेगा. जैसे जैसे वो खींचेगी स्ट्रिंग धीरे 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 इधर आके आता 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 एक टाइम ऐसे आएगा
यहाँ पे आके सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो स्ट्रिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। बच्चों के माइंड में यही रहता है कि स्ट्रिंग वो ऐसे खींच रही है, किसी भी आप रस्सी को अगर ऐसे आप स्लैंट में खींचने की कोशिश करोगे तो रस्सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्लैंट ही रहेगी, वो सीधी होती जाएगी। जैसे जैसे आप उसको खींचोगे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करती जाएगी, कवर करती जाएगी। मान लो कि 12 सेकंड के बाद वो डी पॉइंट पे आ गई, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एडी। अब कोई एडी के बारे में मुझे बता सकता है कितना होगा? 2.4 माइनस, बिल्कुल ठीक। ये जो लेंथ थी स्ट्रिंग की कितनी थी हमारे पास, 2.4, और 12 सेकंड में कितनी लेंथ बाहर आई है, 0.6, इसमें से माइनस करो कितना आया हमारे पास, 1.8। तो ये आ गया, नहीं 1.8 नहीं आया, यहाँ नहीं आता, जस्ट मिनट हमें निकालना है दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड। ये जो 3 मीटर हमारे पास आया है, एक मिनट, 1.8 सीडी होगा, कल एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि कैसे, हाँ किसका डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, ये कवर हुआ, ये डिस्टेंस ये 0.6 मीटर कवर हुआ, तभी मैं कह रही थी कुछ गलती हुई है, ये आएगा 1.8। मैम कल ये फिर से करवा दोगे एक बार? मैं एक्सप्लेन करूंगी दोबारा, यहां से एक्सप्लेन करूंगी।